बच्चे की पॉटी वाली जगह पे कभी कभी बहुत महीन महीन रेड कलर के दाने हो जाते हैं या वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है आप बच्चे को कपड़े की नेपी यूज़ करती हो, और अगर आप बच्चे को कपड़े की नेपी यूज़ करती हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जितनी बार भी टॉयलेट करेगा उतनी बार आपको बच्चे की नेपी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो गीलेपन से बच्चे को ओदी लग सकती है, बच्चे की पॉटी वाली जगह पे महीन महीन दाने हो सकते हैं और स्किन वहाँ की बहुत रेड हो सकती है, जिसमें बच्चे को बहुत तकलीफ़ हो सकती है। और अगर आप बच्चे को डायपर यूज़ करती हैं तो हो सकता है आप बच्चे को एक ही डायपर काफ़ी ज़्यादा देर तक लगा के रखती हों, आप बच्चे का डायपर टाइम टाइम पे चेंज ना करती हों। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि बच्चे का डायपर आप चेक करके देख सकती हैं, अगर वो ज़्यादा हैवी लगने लगा हो तो बच्चे का डायपर आप चेंज कर दीजिए। हर 4 घंटे पर आप बच्चे का डायपर चेंज कर दीजिए। बच्चे का डायपर अगर आप टाइम टाइम पर चेंज करेंगी तो बच्चे को डायपर रैशेज नहीं होगा, महीन महीन दाने नहीं होंगे, स्किन रेड नहीं होगी। और जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज करिए तो थोड़ी देर के लिए उसकी स्किन को, उसकी पॉटी वाली जगह को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, ताकि उसमें अच्छे से हवा लग जाए। बच्चे की उस स्किन पे हवा लगना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। अगर वहाँ की स्किन गीली रहेगी और आपने दोबारा से डायपर लगा दिया तो उसी गीली स्किन में हवा नहीं लगने से वहाँ की स्किन पे दाने हो सकते हैं और वहाँ की स्किन रेड हो सकती है। और जब आपको डायपर लगाना हो तो आप कैंडिड पाउडर का यूज़ कर सकती हैं। ये पाउडर मैंने अपने बच्चों पे यूज़ किया है, हम नूर पे भी उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इसको लगाने के बाद अगर हम डायपर लगाते हैं तो उससे बच्चे को दाने नहीं निकलते हैं, ना ही कोई स्किन रेड होती है। इस सब चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगी तो दाने होने ही नहीं पाएंगे, ना वहाँ की स्किन रेड होगी। अब अगर बच्चे की वहाँ की स्किन रेड हो गई, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहा है और बार बार बच्चा पॉटी कर रहा है तो बार बार उस जगह को आप क्लीन करती हैं तो उससे भी बच्चे की स्किन कभी कभी रेड हो जाती है, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब अगर बच्चे की स्किन रेड हो गई है तो आप इसके लिए घरेलू उपाय कर सकती हैं। जो आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल कच्चा ही रहे, बस उसको हल्का सा गुनगुना करना है, इतना ज़्यादा भी नहीं गर्म करना है कि आपका हाथ जल जाए या आपके बच्चे की स्किन जल जाए, और इतना कम भी ना रहे कि वो बिल्कुल पता ही ना चले, इतना गुनगुना रहे कि आपका बच्चा उसको सहले, उसकी स्किन जले ना। फिर आप उसी तेल को बच्चे की जो स्किन रेड हो, जहाँ पे दाने हो, उस जगह पे आप अच्छे से लगा दीजिए और उसको खुला छोड़ दीजिए, उसको हवा लगने दीजिए। इसी तरह से आप कई बार करेंगे तो आपके बच्चे के दाने धीरे धीरे सही हो जाएंगे, जो स्किन रेड है वो भी सही हो जाएगी। और आप इस कैंडिड पाउडर का यूज़ करेंगे तो उससे भी बच्चे की स्किन धीरे धीरे सही हो जाएगी, जो दाने होंगे वो ठीक हो जाएंगे। और अगर इतना करने पर भी आपके बच्चे के दाने नहीं सही हो रहे तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करिएगा।